गुड मॉर्निंग यूट्यूबर्स, दिस इज़ मयंक फ्रॉम MSS डायरीज एंड इन टुडेज वीडियो आई विल बी डूइंग ए शॉर्ट कंपेरिजन एज वाई आई बॉट दिस बाइक, वाई नॉट KTM 390 एडवेंचर, इंटरसेप्टर 650, हिमालयन और डोमिनार। काफ़ी बाइकों पे मैंने रिसर्च अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा था, तो जब इस बाइक फाइनली जब ये बाइक का प्राइस करीब ऑलमोस्ट 80,000 स्लैश हुए, तब आई डिसाइडेड टू टेक ए टेस्ट राइड ऑफ दिस बाइक। तो टेस्ट राइड लिया और जो सबसे अच्छी चीज़ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी बाइक की, वो थे इसके एस्थेटिक्स, इसका जो साइज़ अपीयरेंस, इसका जो एक रोड प्रेजेंस और जो एक ओवरऑल जो बिल्ड क्वालिटी बहुत सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई। और जब मैंने इसको एक्सेलरेट किया, जो उनका जो जो अपना बाइक था, डेमो बाइक था, उसको जो मैंने अच्छे से एक्सेलरेट किया, तो बाइक काफ़ी पंची लगी मेरे को, मतलब किसी भी एंगल से कम नहीं लगी फॉर ए 300cc कैपेसिटी। और मेरे को एक एडवेंचर बाइक ही चाहिए थी, क्योंकि एडवेंचर बाइक इंडिया में जो है वो आपकी रॉयल एनफील्ड हिमालयन है और एक आपकी इम्पल्स 200 है, तो बहुत आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे को जो बाइक मुझे पसंद आई वो ये ही पसंद आई, बेनेली TRK 502 भी थी, बट वो बहुत हैवी थी, 230 किलो की बाइक थी। तो अब क्या है कि अगर मान लो मैं पहाड़ों पे अगर मैं बाइक राइड करूँगा, तो थोड़ा सा एक डर रहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि आपको खुद अकेले ही बाइक को हैंडल करना पड़े इन केस ऑफ फॉल, तो वो भी मेरे बात दिमाग में थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये बाइक का वेट भी काफ़ी अच्छा लगा, बाइक का बैलेंस बहुत अच्छा है और हिमालयन भी मेरी चॉइस थी। तो सबसे पहले बात करूँगा इसी बाइक के बारे में, बात करते हैं हिमालयन की। हिमालयन की मैंने टेस्ट राइड ली थी और बाइक का जो इनिशियल जो टॉर्क है, जो पिकअप है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पिक करती है बाइक। लेकिन थोड़ा अगर आपको जैसे अगर आप हाईवे पे अगर आप क्रूज़ करेंगे, तो थोड़ा उसको पावर का, क्योंकि उसका इंजन को डिज़ाइन जो किया गया है, जो उसके जो RPM डिज़ाइन किए गए हैं, वो ऐसे RPM पे पावर डिलीवरी देती है जो जहाँ पे आपको इनिशियल टॉर्क आपको पूरा उसको यूज़ कर सको। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो बाइक मेरे को सबसे अच्छी लगी। और फिर हिमालयन के साथ मैंने अभी भी बहुत से लोगों को सुना कि थोड़ा सा उसमें अभी भी BS6 में भी थोड़ा इशू बता रहे थे, तो कहीं ना कहीं मेरे को ये थोड़ा डाउट था कि यार बाइक कहीं ऐसी, हालांकि इसकी मेंटेनेंस बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो और दूसरी चीज़ जो उस बाइक में थी वो थी स्पोक व्हील्स। बहुत से लोग जो ऑफ रोड करते हैं उन लोगों को स्पोक व्हील्स चाहिए होते हैं, क्योंकि बाइक जो होती है वो थोड़ा, जो स्पोक व्हील्स होते हैं वो भी थोड़ा एक सस्पेंशन की तरह काम करते हैं, जो हार्ड बम्प होते हैं वो बाइक के सस्पेंशन और बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। बट क्या है कि वही चीज़ है कि अगर आपके कभी ऐसी जगह पे टायर अगर पंचर हो जाए, जो मान लो कि वहाँ पे कोई आसपास पंचर रिपेयर वाला ना हो, तो खुद से रिपेयर करना बहुत मेहनत वाला काम है। उससे बेटर तो ट्यूबलेस टायर की किट होती है, खाली आपको पंचर नोटिस करना है वहाँ पे, आपको बस रिपेयर कर देना है और चलते में आप कर सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो ये दूसरा चीज़ जो मेरे को था। और मुझे ग्राउंड क्लियरेंस बहुत चाहिए था, पहले ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा चाहिए था, इसमें 220mm का ग्राउंड क्लियरेंस है और सस्पेंशन ट्रैवल जो है इसका 180mm का है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक मेरे को बहुत ही कंफर्टेबल लगी, मैंने रफ़ पैचेस पे भी बाइक दौड़ाई, मेरे को बाइक बहुत कंफर्टेबल लगी। और उसके बाद भी बाइक बहुत स्पोर्टी है, जब आप इसको पिकअप लेते हो तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि यू आर आउट ऑफ का आप कहीं, मतलब बहुत ज़्यादा बाइक डिसबैलेंस हो जाएगी, तो वहाँ मेरे को काफ़ी ये बाइक अच्छी लगी। हालांकि एडवेंचर बाइक को हम लोग ज़्यादा कॉर्नरिंग हार्ड नहीं करते हैं, बट फिर भी क्योंकि इसमें मेटल और ट्यूरांस के टायर हैं, तो जो आपको ग्रिप भी मिल रही है वो बहुत अच्छी मिल रही है। नेक्स्ट बाइक जो बात करूँगा KTM 390 एडवेंचर की, बाइक बहुत अच्छी है, बहुत एग्रेसिव लुकिंग है, उसमें सारे पावर पैक फीचर्स हैं,
और पावर भी बाइक में अच्छी है, बट कहीं ना कहीं KTM का जो डिज़ाइन थीम है वो मेरे टेस्ट पैलेट पे नहीं बैठता है। मेरे को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लुकिंग थोड़ा सा, मतलब बाइक जो है थोड़ा सा, इट्स ऑल अबाउट पर्सनल प्रेफरेंस। मेरे को जो BMW 310 GS का जो लुक है आई थिंक सबसे बेस्ट लगता है, बट दैट इज़ माई पर्सनल प्रेफरेंस। आपको हो सकता है अपनी बाइक पसंद, जो भी आपके पास बाइक आपको वो पसंद आएगी, इट्स ऑल अबाउट योर प्रेफरेंस। तो उस पर कोई मेजर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि वो हर एक अपना अपना चॉइस होता है। तो और दूसरा जो उसका था एक मैटर था कि जो उसका जो टैंक फील है, टैंक थोड़ा सा उसका स्लीक डिज़ाइन है, तो आपके थाइस के बीच में यू डोंट फील लाइक यू आर राइडिंग अ बिग बाइक। हालांकि अपीयरेंस में इट्स वेरी बिग बाइक और बट मेरे को थोड़ा सा वही अगेन सेम। और दूसरी चीज़ जो उसमें थी वो उसका जो सीट हाइट था, दैट वाज 855 mm आई सपोज, तो बहुत ज़्यादा था मेरे लिए। हालांकि उसका क्योंकि जो सीट है वो थोड़ा सा नैरो डिज़ाइन है तो आपके पैर उसमें पहुँचते हैं, बट बाइक में फ़ीचर्स होने के बाद भी मेरे को मतलब बाइक नहीं लगा कि मेरे लिए उसमें मेरे को उतना वो फील नहीं आया जो मेरे को इस बाइक पे फील आया। तो कहीं ना कहीं आप उसके डिज़ाइन एस्थेटिक पे ही मैं जा रहा हूँ बाइक के। नाउ दो दूसरी बाइक हैं इंटरसेप्टर 650 और डोमिनार, अगेन सेम इशू, ट्रैवल सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस। इंटरसेप्टर बहुत अच्छी बाइक है वीकेंड राइड्स के लिए, वन ऑफ द बेस्ट बाइक आई गेस, इवन कॉन्टिनेंटल 650 फॉर दैट मैटर इज़ अ वेरी गुड बाइक। बट अगर मैं अपने वही मेरे को अपने अगर मैं उसकी बात करूँ टेस्ट की, तो आपने अगर देखा होगा बहुत से लोगों ने इंटरसेप्टर 650 को मॉडिफाई कराया है, और मॉडिफाई कराने के बाद में बाइक का जो रेट्रो लुक है वो पूरा चला जाता है। तो फॉर मतलब अगर आप वीकेंड राइड्स पे जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिप पे तब तो बाइक अच्छा है, बट अगर आप उसको लोड कर रहे हैं तो बाइक उतना खिल के सामने नहीं आती जब आप उसमें टूरिंग मॉड्स कराते हैं। अगेन दैट इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आप वही चीज़ अगर आप सेम इन एडवेंचर बाइक पे कराओ तो बाइक का जो कैरेक्टर है वो और निखर के सामने आता है। बाइक बहुत मतलब एक डिसेंट लुकिंग पूरा एक अच्छा पैकेज लगता है देखने में। तो पूरा यस पूरा पैकेज की ही बात मैं करूँगा जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो उस हिसाब से मेरे को उन बाइकों में भी, हालांकि 650 इंजन एक बहुत ही एक टफ डिसीजन था कि 650 का जो इंजन है बहुत स्मूथ है, वो लूँ कि ये लूँ वो लूँ, बट मुझे फिर एक ओवरऑल जो पैकेज चाहिए था वो यही बाइक में मिल रहा था, चाहे वो सस्पेंटी जो उसका एस्थेटिक डिज़ाइन हो या सस्पेंशन हो या फिर उसमें ओवरऑल फील और जो फिट और फिनिश है बाइक की, वो इस बाइक में मुझे सबसे ज़्यादा मिल रही थी। तो उस हिसाब से मेरे को जो है ये बाइक ज़्यादा पसंद आई कंपेयर टू अदर बाइक्स। तो ये कुछ पैरामीटर्स थे जिन पे मैं काफ़ी ज़्यादा टाइम से सोच रहा था, और ख़ास करके जब से इसमें रेड बाय वाय थ्रॉटल आया तब से बाइक बहुत ही क्रिस्प और स्मूथ हो गई है। बहुत ही इसका जो एक्सीलरेशन है, मैंने लास्ट 310 भी ट्राई किया था तो बाइक में लगा तो उस टाइम के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव भी थी और बाइक, और उस हिसाब से मुझे लगा नहीं कि बाइक में उतना फीचर्स दे रहे हैं वो लोग। एक चीज़ जो इसमें जो कुछ चीज़ें जो नेगेटिव मुझे लगी, एक तो उन्होंने इसमें से ABS हटा लिया है, जो स्विचेबल ABS आप स्विच ऑफ नहीं कर सकते हैं, तो वो चीज़ एक थोड़ा सा इसका डाउन साइड है। और बट क्योंकि आई एम नॉट ए फुल टाइम ऑफ रोडर तो फाइन फॉर मी। और जो दूसरी चीज़ जो मुझे इसकी पसंद नहीं है बाइक की वो है इसका जो टैंक रेंज है, सॉरी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, क्योंकि 310 cc का इंजन है तो यू आर गेटिंग अ डिसेंट माइलेज फ्रॉम दिस बाइक। आई सपोज समवेयर अराउंड 30 तक मिल जाएगा इफ़ यू आर ड्राइविंग सेडेटली, बट लॉन्ग टूर के लिए देखा जाए पहाड़ों पे जहाँ पे क्या कहते हैं फ्यूल पंप बहुत दूर दूर होते हैं, तो वहाँ के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा जेरी कैन कैरी करने पड़ सकते हैं, तो वो इसका एक मुझे डाउन साइड लगा। और उसका हॉर्न भी कुछ ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगा, एक सिंगल ब्लोअर है हॉर्न का और उसका कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं आता है, पर ठीक है बहुत से लोग यहाँ पे हॉर्न पे हाथ रख के चलते हैं तो थोड़ा सा ठीक भी है क्योंकि, लेकिन क्या है कि अगर आप कोई ऐसी जगह पे चला रहे हैं जहाँ पे लोगों को हॉर्न मैटर ही नहीं करता है, वहाँ के लिए फिर थोड़े लाउड हॉर्न थोड़े आपके लिए सेफ थोड़ा सेफ रहता है।
तो नाउ अनदर चीज जो इस बाइक का एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो है इसकी सर्विस और स्पेयर पार्ट्स। इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक टू मेंटेन इस कैटेगरी में, जो इफ़ यू कंपेयर इट विद एनी अदर बाइक, KTM है और जो आपके इवन आई सपोज कावासाकी भी इतना एक्सपेंसिव नहीं है मेंटेन करने में जितना ये उसके जो पार्ट्स है बहुत एक्सपेंसिव है। बट अब जब से प्राइस ड्रॉप हुआ है तब से आई एम होपिंग कि थोड़ा बाइक का सेल्स बढ़ेगा और मे बी न्यू फ्यूचर हो सकता है शायद कंपनी थोड़ा इस पर विचार करे, क्योंकि नहीं करेगी तो फिर वी विल स्पीक विद BMW कि भाई क्योंकि 300cc के हिसाब से बाइक का जो सर्विस है। आई वॉज लिसनिंग टू मैनी यूट्यूबर्स, उन्होंने कहा था कि जो एक लीटर क्लास बाइक है जो 1000cc बाइक है उसका सर्विस और इसका सर्विस ऑलमोस्ट सेम है, तो फिर डजेंट मेक एनी सेंस। बट वही बात आ जाती है कि इसका जो सर्विस इंटरवल है वो है 10,000 किलोमीटर्स पे, तो जो एक नॉर्मल बाइक है जैसे शायद आई गेस जो अदर बाइक है उनका जो सर्विस इंटरवल है वो साल में 2 है और एवरी 5,000 to 6,000 किलोमीटर्स पर है, वहीं इस बाइक का जो सर्विस इंटरवल है वो 10,000 किलोमीटर्स पे है। तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज़ इवन हो जाती है कि भाई आप उसमें सर्विस मेरे को जो लोग साल में 2 कराएंगे तो मुझे सिर्फ 1 करानी पड़ेगी, तो उस हिसाब से प्राइस कॉम्पनसेट हो जाता है। और रही बात जो पार्ट्स स्पेयर की, तो वो बहुत से पार्ट आपके जो अगर टूट जाते हैं या फिर बट अगर हाँ रनिंग रिपेयर की बात आएगी तो हो सकता है आपको वो फिर आपको जो अपनी जेब से थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ जाए। बट ये एक क्वालिटी बाइक है, इसमें क्वालिटी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, एटलीस्ट दिस इज़ व्हाट आई फील। एंड बहुत से लोग जिन लोगों ने अभी तक बाइक में ली है क्वालिटी का इसमें कोई भी इशू नहीं है, कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि क्वालिटी वाइज इसमें कोई भी मेरे को ऐसा चिंता की बात नहीं है बाइक में। और BMW जाने इसलिए जाता है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी, तो इस हिसाब से तो फिर बाइक मेरे को सोच के मैंने थोड़ा परचेज किया है। सो दिस वॉज माई शॉर्ट कंपेरिजन ऑन वाई आई वेंट फॉर दिस बाइक। और बाकी इट्स ऑल अबाउट योर पर्सनल प्रेफरेंस, आपको क्या बाइक चाहिए। अगर आप बाइक लेना आप चाहते हो तो पहले बाइक का टेस्ट राइड लो और उसको देखो कि आपके जो जो बॉडी एस्थेटिक्स है आपको कैसे बाइक आप पे सूट कर रही है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी हाइट ज़्यादा ना हो लेकिन आपके जो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा हो कि आप बाइक आराम से मैनेज कर सको। और कोई भी नई बाइक होती है तो उसमें आपको एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है आपको थोड़ा सा, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई एम राइडिंग एडवेंचर बाइक, तो आप मेरे को थोड़ा इसके मेरे को भी इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, स्पेशली जब पैनिक ब्रेकिंग की बात आती है। जब हम किसी भी बाइक में ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बाइक कैसे क्या रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि तेज़ भगाना इज़ नॉट अ चैलेंज, चैलेंज वो होता है कि आप कैसे बाइक को हैंडल कर रहे हो अंडर डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस। तो फिर उस हिसाब से आपको थोड़ा इस बाइक पे अपना टाइम देना होगा, देना चाहिए। हर एक अपना अपना पर्सनल लाइक प्रेफरेंस है, तो बेटर वही होगा कि आप उसको टेस्ट राइड लो, पूरा बाइक को अच्छे तरीके से समझो, उसको सर्विस आफ्टर सेल सर्विस को समझो और उसके बाद बाइक में इन्वेस्ट करो। और अगर आप यूट्यूबर हो, इफ़ यू आर ऑन अ टाइट बजट और आप चाह रहे हो कि एक बाइक, अगर इस बाइक में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो मैं कहूँगा कि अदर ऑप्शंस को आप कंसिडर करो, क्योंकि मे बी हो सकता है कि आपके जो कॉस्ट है वो थोड़ा बढ़ जाए जो ब्लॉगिंग का बिकॉज ऑफ द सर्विस एंड द स्पेयर। तो इफ़ यू हैव लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल, थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता है टू मेक सम मोर वीडियोज़ इन दिस एरिया। और मैं जाऊंगा टूरिंग के, उसमें मेरे को खाना पीना और लोकल प्लेस एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, तो आई विल बी डूइंग विद दिस बाइक, एक जर्नी स्टार्ट करनी है काफ़ी लंबी इस बाइक के साथ में। तो जिसके बाइक के साथ जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी इसमें मैं कराऊंगा, जो भी इसके सर्विस होगा, सारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो प्लीज़ बने रहो मेरे चैनल पे एंड एंजॉय करिए राइड मेरे साथ। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज़ मैंग फ्रॉम MWS डायरीज साइनिंग ऑफ।
टेक केयर, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.